हेलो बच्चों, हमने SYJC के अकाउंट्स के ऑल 12 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बनाया है। ये वीडियो सॉल्यूशन का है, क्वेश्चन भी है और बाद में आंसर भी है। पर ये वीडियो देखने के पहले हमने लिंक में इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए। आपको द क्वेश्चन है द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय, तो आंसर होगा इसका All the partners, सारे partners share करेंगे revaluation का profit या loss. Next question है, X, Y and Z are partner sharing profits in the ratio of 5:3:2. If Y retires, then the new ratio will be, क्या answer होगा? Answer है 5:2. 5:3:2 है X, Y, Z का. अगर Y चला गया, तो X और Z दोनों share करेंगे 5:2 में. Next, मोदी, अमित एंड मनमोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:10 एंड 1:5 रिस्पेक्टिवली। इफ मनमोहन रिटायर्स देन द न्यू रेशियो विल बी, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इनका रेशियो जो दिया है 1:2, 3:10 और 1:5, तीनों डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको हम 5:10 लिखते हैं, इसको हम 3:10 लिखते हैं और इसको हम 2:10 लिखते हैं। अब हो गया रेशियो आपका 5:3:2। अब कौन रिटायर हो रहा है? मनमोहन जी रिटायर हैं जो कि लास्ट है, तो अभी उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा बिटवीन मोदी एंड अमित। 5:3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NM, मिठबाई एंड KES आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:10 एंड 1:5 रिस्पेक्टिवली। NM रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो इज 5:5, देन द गेन रेशियो विल बी हाउ मच, तो इसमें भी पहले जैसे किया 1:2, 3:10 और 1:5, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको कर देंगे 5:10, इसका आंसर आ गया, तो पहले बता दूं 5:10, 3:10 एंड 2:10। अब इसमें कौन रिटायर हो रहा है बच्चों? NM रिटायर हो रहा है, तो 5:10 चला गया। क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑलरेडी हमें दिया गया है, न्यू रेशियो क्या है? 5:5, तो पहले 10 में से मिठीबाई को पहले 10 में से 3 शेयर मिल रहा था, अब 10 में से 5 शेयर मिल रहा है। KES को 10 में से 2 शेयर मिल रहे थे, अभी 10 में से 5 शेयर मिल रहे हैं, तो मिठीबाई का गेन कितना हुआ? 2 हुआ, और KES का गेन कितना हुआ? 3, तो गेन रेशियो इज 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सलमान, शाहरुख एंड आमिर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:3, 1:6 रिस्पेक्टिवली। इफ शाहरुख रिटायर्स देन द न्यू रेशियो विल बी, आप नॉर्मली जैसे अभी तक किया है वैसे ही करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो ये 3:2:1 हो जाता है। सलमान, शाहरुख एंड आमिर, रिटायर हो रहा है शाहरुख, तो शाहरुख अगर चला जाए तो दोनों के बीच में न्यू रेशियो होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, गुडविल को रेज किया गया है एंड इट इज रिटर्न ऑफ, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो राइट ऑफ करने के टाइम कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चों? गुडविल है ना, क्रेडिट तो गुडविल ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है ना, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो PNL एडजस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, डैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, गुडविल रेज किया है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का, तो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। द बैलेंस ऑन द कैपिटल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर के जो कैपिटल उनको रिटर्न करना है वो ट्रांसफर हम कहां करेंगे? लोन अकाउंट में, पूरा का पूरा कैपिटल अब नहीं देने वाले हैं, तो लोन अकाउंट में उसके बैलेंस को टेम्पररी हम ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट।
revaluation account, nominal account hai bachcho. Next hai, retiring partner share of goodwill is dashed to continuing partner's capital account. तो जो continuing partner की capital account को हम क्या करेंगे? Debit करेंगे. है कि नहीं? Retiring partner को credit होने वाला है, जो continue करने वाले हैं उनको debit होगा, और वो debit भी gain ratio में होगा बच्चों. Next, gain ratio is equal to dash ratio minus less old ratio. तो इसका answer होगा new ratio. New ratio ज्यादा होगा, जैसे हमने मिठीबाई और KES में देखा. New ratio is the answer. Next is retiring partner share in profit up to the date of his retirement will be debited to profit and loss suspense account. तो इसका answer क्या है? इसका answer है true. True क्यों है? क्योंकि retiring partner को जो हम profit देने वाले up to the date of retirement, तो उसको हम PNL suspense account में debit करते हैं. Next है profit on revaluation is transferred to continuing partner's capital account only. इसका answer बच्चों false है. ये सभी partner को credit करेंगे, सिर्फ retiring को नहीं, सभी को credit होगा. Next question, revaluation account is also called as realization. ये तो natural है, इसका answer false है बच्चों, है ना? तो dissolution में हम realization नाम देते हैं. When asset increase in value, revaluation is debited by the amount of difference. तो answer क्या है? Answer है false. Revaluation को हम credit करते हैं क्योंकि asset का value increase हुआ है. Next question, the capital account of retiring partner closes only when full amount due to him is paid. तो इधर बच्चे थोड़े confused हो जाते हैं. Capital account को close करके हम loan में transfer कर देंगे, तो एंड में जब पैसा देंगे तो लोन अकाउंट क्लोज होगा, कैपिटल नहीं. कैपिटल तो अभी क्लोज होने वाला है और उसको हम ट्रांसफर करने वाले लोन में. तो इसका आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल टू शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म. नेचुरली ट्रू होगा, व्हाई नॉट? रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा. ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड इज नॉट चेंज्ड. क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर में रिश्ता बदल जाएगा तो वो लोग नया डीड बनाएंगे, ओल्ड डीड को कैंसिल कर देंगे. नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. क्या आंसर है? आंसर है ट्रू. क्रेडिट बैलेंस का मतलब, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, मान लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 है और डेबिट साइड का टोटल 60,000 है, तो ये जो 40,000 बचा है बच्चों, उसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है. काफी बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये डेबिट साइड पे है इसीलिए डेबिट बैलेंस. ना, क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो ये जो 40,000 है वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, ये था हमारा रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना, एडमिशन, डेथ और बाकी सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. थैंक यू.